हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, मैं मांगलाल चौधरी इस ऑनलाइन डिजिटल क्लास के जरिए गुरुवाणी एकेडमी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी आने वाली परीक्षाओं में रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी के अंदर हो, आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, दो जो टॉपिक डिस्कशन करूंगा, वो फर्दर आपके लिए जब आप कहीं भी चीजें आप दिमाग में सेट रखोगे और एग्जाम फाइट करोगे, डेफिनेटली वो क्वेश्चन के रूप में पुटअप होगा और मैक्सिमम लंबे समय तक याद रहेगा। मेरा मेन पर्पस ये है कि आपके दिमाग में एक इमेज बनाना। अगर मैंने आपके दिमाग में इमेज बना दी तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत जल्दी जो है वो निकलेगा। मेरा कहने का मतलब स्पष्ट है, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे जेनेटिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक हो, इकोलॉजी का, बस सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए और वो इमेज बनाने के लिए मैं आ चुका हूं। YouTube चैनल पर आप बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, Android मोबाइल की जो ऐप है उस पर भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, लगभग 7000 बच्चे जुड़ चुके हैं Android मोबाइल की ऐप पर। YouTube चैनल पर भी काफी अच्छा लोगों का प्यार मिल रहा है। जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपके बीच आ रहा हूं। ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल बहुत बिजी, इसीलिए ऑनलाइन का क्लास थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैं बीच आता रहूंगा, चिंता मत करो। चैनल इसलिए बनाया है, आपका प्यार मिलता रहेगा और मैं बीच में आता रहूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग आराम से इसको टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और मेरी चीजें को आप कैच, मतलब टोटल चीजें जो है आपको इमेज के रूप में कैच करनी है। अब ध्यान से सुनना, आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपको केमिस्ट्री के अंदर बोरॉन और एल्यूमिनियम के अंदर कई सारे टॉपिक के अंदर मिलेंगे। बोरॉन और एल्यूमिनियम का टॉपिक आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब ध्यान से सुनना इधर, बोरॉन और एल्यूमिनियम को सबसे पहले समझने से पहले एक बार इसकी पीरियडिक टेबल पर तो नजर डालें। जब मैं पीरियडिक टेबल आपको पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा, पीरियडिक टेबल के आज जो आपने जो वीडियो देखोगे, डेफिनेटली कहता हूं कि पीरियडिक टेबल आपके मुंह पे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन थोड़ा आपको मेरे साथ में अगर प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा तो चीजें आपको एग्जाम तक नजर आएगी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले पीरियडिक टेबल को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम एक्चुअल में है कहां। पीरियडिक टेबल मेरा टॉपिक आएगा, लेकिन पहले मैं आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तो बनाऊं। धीरे धीरे दोस्तों, कभी भी मकान बनता है तो डायरेक्टली हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में नहीं जाते हैं, नींव बनती है, फिर उसके बाद में हम कंकड़ पत्थर का यूज करते हैं, फिर सीमेंट का यूज करते हैं, सरिये का यूज करते हैं, एक मजबूत, इसका मतलब पोल्स बन जाते हैं, एक मजबूत वहां पर नींव बन जाती, तब वो 10 मंजिल 20 मंजिल मकान खड़ा होता है। वही चीज मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को आपके दिमाग में सेट रखना है, एक लंबा स्तंभ आपको बनाना है, एक लंबा स्तंभ आपको बनाना है, फिर उसके सेम टू सेम सिमिलर आप उसके आगे की ओर जाओगे, फिर आपको एक लंबा स्तंभ आपको क्रिएट करना है। इसका मतलब इसी के पैरेलल में एक कॉलम आपने बनाया, उसके सामने एक बड़ा कॉलम बनाया, फिर पीरियडिक बनाई, इसमें ब्लॉक बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सेम टू सेम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, 1, 2, then 3, then 4, then 5, then 6 और then 7। फिर यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोस्तों, मेरी कला को देखना आप लोग, डेफिनेटली आपके दिमाग में सेट होगा ये। अब ध्यान से देखना, इधर फर्स्ट कॉलम बनाया, लास्ट कॉलम बनाया, फिर यहां से कूदने पर एक कॉलम कूदेंगे तो नीचे आएंगे, यहां पर इस तरीके से मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये दिमाग में सेट रखना। जब सेकंड कॉलम बना देते तो उसके सामने एक बड़ा कॉलम बनाना, दोस्तों ये दिमाग में सेट रखना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उसके बाद में आपके दिमाग में ध्यान रखना, दिस इज एक्स ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक और नीचे आएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का एफ ब्लॉक, जो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली अच्छे से आपको दिमाग में सेट करूंगा दोस्तों। इसका मतलब एस ब्लॉक के अंदर 2, पी ब्लॉक के अंदर 6 और डी ब्लॉक के अंदर 10। और इसी की अगर बात करते हैं, डी ब्लॉक को कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला आपके दिमाग में बना, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बनाएंगे, फिर दूसरा याद करेंगे, यहां पर ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के सामने अगर बात करेंगे ये थर्ड कॉलम है, इसका मतलब सेकंड के जस्ट सामने बनाना है,
फिर उसके बाद में आपके दिमाग में सेट रखना है, पहले एक ब्लॉक कूदे थे, एक ब्लॉक नीचे उतरे थे, अब दो ब्लॉक नीचे उतरना है, या फिर पीरियड के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सातवां जो आवर्त है इसको इंडिकेट किया, यहां पर एक डॉट लगाया और यहां पर दूसरा डॉट लगाया, इन दोनों डॉट को प्रॉपर तरीके से मिलाया तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक बना, 1, 2, 3 और 4 और 5। ये ध्यान में सेट रखना। यहां पर दो है तो दो कॉलम है, यहां 10 अभी बनाएंगे, यहां 6, 6 में से एक तो चला गया 5। इसका मतलब 5 को जब बनाएंगे अपन तो 5 को बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 और 1 मिलकर 6, ये कॉलम बन चुके हैं आपके सामने। यहां 10 बनाने हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर धीरे धीरे इसकी नंबरिंग करेंगे और बोरॉन और एल्यूमिनियम पर तक पहुंचेंगे। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये कौन सा आएगा 18। दोस्तों इसी पर अगर बात करते हैं तो यहां पर मैं इंडिकेट करूंगा, दिस इज फर्स्ट ए, दिस इज सेकंड ए। 3 को बाहर निकालना, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और ऐसे ही याद रखना है आपको। तो ये आएगा थर्ड ए, दिस इज फोर्थ ए, दिस इज फिफ्थ ए, दिस इज सिक्स्थ ए, दिस इज सेवंथ ए और दिस इज एट्थ ए। ये आपको सिग्नल ध्यान में होना चाहिए, दिस इज एट्थ ए। फिर यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आएगा थर्ड बी। तो सबसे पहले 1 को सर्कल करोगे, निकालोगे, दिस इज फर्स्ट बी और दिस इज सेकंड बी, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवंथ। लेकिन जो ग्रीन कलर पेन से मैं इंडिकेट कर रहा हूं 1, 2 और 3, ये आएगा 208th बी के नाम से। ये बी है, ये ए है, सब पार्ट मिलकर टोटल 18 होंगे। अगर बात करते हैं ए और बी सब पार्ट मिलकर टोटल 18 होंगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां से मैं सिग्नल ये देना चाह रहा हूं कि ये पीरियडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जो मैं पीरियडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो उस समय आप अच्छे से इसको जल्दी समझें। टोटल अगर बात करते हैं 18 है तो सबसे पहले आपके दिमाग में सेट होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं, दिस इज ओजी। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले प्रॉपर तरीके से दिमाग में सेट करते हैं तो शायद आपको पता होगा, हे ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। इसका मतलब अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, अब आपके दिमाग में होगा सर एटॉमिक नंबर क्या, परमाणु क्रमांक क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे, डोमिनाइनर का भी ट्रिक सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, डोमिनाइनर का काफी इंपॉर्टेंट है, इसी आगे पढ़ेंगे, मोजले, हेनरी मोजले काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट उन्होंने एक टॉपिक को डिस्कशन किया था। आगे मैं सारे टॉपिक में आपके दिमाग में सेट करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है कि अगर कोई भी एटम ले लूं, मैं परमाणु ले लूं, तो उसमें नाभिक होगा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, उसके चार और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यार बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, ये परमाणु है और ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर जो होते हैं दोस्तों, चारों ओर जो होते हैं, शायद आपको दिमाग में सेट हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो किसी भी एटम के अगर बात करते हैं, किसी भी एटम की अगर बात करते हैं तो उसमें उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटोन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटोन्स, वो उसका जो होता है वो एटॉमिक नंबर है प्रोटोन। इसका मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या जो होती है दोस्तों, वो कहलाती है परमाणु क्रमांक कहते हैं। जबकि एटॉमिक मास या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, किसी भी परमाणु में, एटम में, नाभिक में, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटोन अगर बात करते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की अगर कुल संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है उसका परमाणु भार। प्रोटोन के साथ में नंबर ऑफ प्रोटोन के साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर लूं मैं तो वो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएगा परमाणु भार। अगर कई बार कंफ्यूजन होता है तो मैंने इस टॉपिक को आगे समझाऊंगा, एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है भार।
तो दोस्तों जब क्रमांक को लेता हूं तो शायद आपको पता है कि कभी भी अगर आप टेबल बनाते हैं तो इसमें सीरियल नंबर लिखते हैं, ये क्रमांक लिखते हैं ना, क्रमांक 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्रमांक सिंगल होते हैं और सिंगल के रूप में आपके दिमाग में वह एग्जाम की तरह दिखेगा कि ये एटॉमिक नंबर है। नंबर, नंबर का मतलब सिंगल, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर होगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार जो होता है, भार भार है, इसका मतलब दो या दो से अधिक से मिलकर बना होगा, तो उसमें होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ू तो मुझे एटॉमिक मास मिलेगा। वैसे मैं आगे डिस्कशन करूंगा लेकिन थोड़ी इमेज आपके दिमाग में बना दी मैंने तो चीजें और क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखना, फिर यहां पर अगर बात करते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग होनी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजिया रोए, इसका मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम 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 सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, शायद आपने सुना होगा बेरियम सुना होगा और रेडियम आपने सुना होगा, ये फिगर है। अब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले दो चीजें याद रखेंगे, हाइड्रोजन का एक और हीलियम का दो। यहां पर फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये जो मैंने लाइन इंडिकेट की है, यहां एक सूत्र एक फॉर्मूला दिमाग में साथ रखना है, 2 8 8 18 18 32 याद रखेंगे। तो जब इसका इस तरीके से लेके चलेंगे तो यहां पर 1 + 2 = 3, 3 + 8 = इसका मतलब 3 + 8 = 11, फिर इस तरीके से जोड़ते 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 आप लोग अंतिम में पहुंच जाएंगे। तो ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, इसका मतलब 3 के बाद में यहां पर कौन सा आएगा, 4, 4 के बाद में कौन आएगा, 5 6 7 8 9 और 10। अभी भी आपको बोरोन और एल्यूमिनियम नहीं दिखाया, तो बोरोन और एल्यूमिनियम को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में सेट रखना होगा, वो दिमाग में सेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, वो दिमाग में सेट कर रहा हूं, यहां पर बाल गए इंडिया थाईलैंड नहीं, ये याद रखना है, आ चुका है। फिर यहां पर आएगा कास, अगर बात करते हैं यहां पर सिंपल सी बात है, का सी जी कौन जाएंगे दोस्तों, संत